वेलकम बैक टू आवर चैनल और सुहानी इन द किचन। सो आज सुहानी इन द किचन की किचन में बनने वाली है ये यमीन टेस्टी चाउमीन। आप लोग सोच रहे होंगे चाउमीन तो पहले भी डाली थी कि एक रेसिपी बार बार डालेगी, एक रेसिपी बार बार नहीं डालेगी। आज की जो चाउमीन की रेसिपी है वो है गार्लिक एंड पनीर चाउमीन। वो मैंने वेज चाउमीन डाली थी और आज की ये जो चाउमीन है वो है पनीर गार्लिक चाउमीन। तो ये चाउमीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चाउमीन ली है और अब मैं इसको बॉईल करूँगी। तो आइए आपको बॉइलिंग का प्रोसेस। चाउमीन को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी लिया है और यहाँ पर पानी को बॉईल करना है हमें। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, हल्का सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि जब हम चाउमीन को कुक करेंगे उसमें भी ऐड होगा। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल। चाउमीन जो है वो एक साथ नहीं चिपकेगी, अलग अलग रहेगी और जो चाउमीन बनेगी यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हमें एक पानी को एक बॉईल लाने तक करना है हीट अप, देन हम इसमें हमारी चाउमीन देख सकते हैं हमारी जो चाउमीन के पानी है उसमें बॉईल आ गई है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारी चाउमीन। चाउमीन यहाँ पर मैं आपको इसका मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ या ये नहीं बता रही कि मैंने कितना लिया है, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से ले लें। अराउंड 1/2 kg होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वॉश करना है अच्छे से, ये देखेंगे निकलने तक हमें 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही रख। चिपक नहीं रही है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बॉयल हो गई है। तो आइए अब हम इसका मसाला लिया और उसमें वेजिटेबल ऑयल डाला है। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। टेबल स्पून ऑयल है जो हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैं गार्लिक ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसमें कटा हुआ गार्लिक और पिसा हुआ गार्लिक दोनों तरह का गार्लिक यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें गार्लिक बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब यहाँ पर हमने स्लाइस अनियंस डाल दिए, ये आप देख सकते हैं मैंने इन्हें रफली चॉप कर लिया है। 3 प्याज हैं, मैंने 4 गलती से बोल दिया था। अब हमें प्याज़ों को सॉटे करना है, अच्छे से नहीं करना है, ठीक ठीक रखना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें पिसा हुआ गार्लिक डाल रही हूँ एज टोल्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैलेंज डेज चल रहे हैं, सो आज की ये मज़ेदार रेसिपी, यहाँ हमने रेड ग्रीन चिली स्लाइस्ड डाली है। आपको अगर ग्रीन, यहाँ हमने 3 ग्रीन चिलीज डाली हैं, अगर आप इन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। जो लोग इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं एक कमेंट देना नीचे, जिससे कि हमें भी तो पता लगे हमारी इतनी मेहनत को कौन देख रहा है और कौन फॉलो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये अच्छे से सॉटे हो चुके हैं, अब हम इसमें हमारी थोड़ी से मसाले ऐड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और अब हम इसमें सॉसेस डाल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने डाली है रेड चिली सॉस, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस,
दो चम्मच हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया, और अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। अराउंड 1 टेबलस्पून हमने इसमें विनेगर ऐड किया, और सभी सॉसेस को हमारे प्याज और मिर्च के साथ मिक्स करेंगे। है ना ये बिल्कुल डिसेंट रेसिपी। चौमिन तो हम रेगुलरली खाते ही हैं, यूजुअली हम लोग सिंपल वेज चौमिन ही खाते हैं, बट आज की जो रेसिपी है वो है पनीर गार्लिक चौमिन। पहली बार जब मैंने सुना था मुझे भी शॉकिंग लगा था, बट इट्स टू यमी। तो अब हमने इसमें हमारी चाउमीन ऐड की है। वेजिटेबल चाउमीन से थोड़ी सी ईजी रहती है ये। अब हमने इसको चाउमीन को ऐड कर दिया, और अब हम सभी सब्जियों को चाउमीन के साथ मिक्स। और इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली सॉस। पहले रेड चिली की थी, अब ग्रीन चिली कर रहे हैं। और आपने अगर देखा हो ना, तो हमने इसमें हल्दी ना तो लाल मिर्च किसी भी तरह का मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, लीविंग ब्लैक पेपर। अब यहाँ पर हम इसमें पनीर के पीसेस डाल रहे हैं, ये हमने नॉन फ्राइड पीसेस को मिक्स करेंगे विद चाउमीन एंड ग्रीन चिली सॉस। तो आइए अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारी चाउमीन बनके बिल्कुल रेडी है। और आज जैसे कि आपको पता है चैलेंज डेज चल रहे हैं, तो ये चैलेंज वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में, यानी कि हमारे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहो सुहानी इन द किचन, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो यार मुझे। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।